sponsored by बच्चा को ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या करना है, क्या मिसकंसेप्शंस है वो लोग का मन में, वो थोड़ा हटाना है। वो पीरियड में वो लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हाइजीनिक रहना है, क्या क्या खाना खाने से प्रॉब्लम्स, तो वो पीरियड का रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है वो सब कैसे हट सकता है। एंड इट इज़ अ रेगुलर रूटीन, ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसे एक मिथ नहीं है, एक ग्रोथ है, वो लोग का डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस है। इसका जानकारी देने के लिए, बच्चा का मिसकंसेप्शंस पूरा हटाने के लिए बताने से बाद एक एक बच्चा अपना प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स को देख दिया है, वो लोग का कॉन्फिडेंट बना दिया इसका बारे में पूछने के लिए। बिकॉज व्हेन दे इंटरेक्टेड, ये डॉक्टर्स इंटरेक्ट करने से बाद ये लोग के अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ गया, ये ऐसे एक चीज़ नहीं है, सबको छुपा कर रखने का एक चीज़ नहीं है। एंड कैसे हाइजीनिक रहना है, वो क्या तरह का पैड यूज़ करना है, वो कैसे डिस्पोज करना है, ये सब का बारे में बच्चा क्वेश्चंस पूछा। It was very nice. We have learned many things. Means it was quite good, and I think so it will help all the girls in future. And it is all related to our health. Movement में क्या करना चाहिए, कैसे आपको healthy diet रखना है, कैसे आपको क्या करना है, आपको कौन-कौन सा sports खेलना है, आपको exercise की ज़रूरत है या नहीं, आपको doctor से recommend करना होगा या नहीं करना होगा, ये सारा चीज़ पता चला। ये pink health program था girls menstruation cycle के बारे में, और यहाँ पे मतलब दो गायनेकोलॉजिस्ट आई थी जिन्होंने हमें बहुत डायरेक्शंस दिए कि इस स्टेज में हम लोग किस तरह से मतलब अपने आप को हाइजीनिक रख सकते हैं, किस तरह से मतलब सेफ रह सकते हैं।